नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष केसरी ने गुरुवार को खरगोन जिले में निर्माणाधीन दो उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत में कसरावत रोड स्थित जामला गांव में बलकवाड़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना अंतर्गत बन रहे पंप हाउस पहुंचे। यहां मौजूद अधिकारियों से पंप हाउस के निर्माण कार्य को पूर्ण करने की समयावधि और परियोजना में अब तक हुए निर्माण कार्य की जानकारी ली। इस परियोजना के 48 महीने हो जाने के बाद कार्य बाकी होने पर गति तेज करने और समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके पश्चात वीसी केसरी विजलवाड़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत हीरापुरा के पास बन रहे पंप हाउस का निरीक्षण किया। कार्य की प्रगति देखने के बाद नाराजगी व्यक्त की। वीसी केसरी ने पंप और निर्माण अवधि की पूर्णता नहीं होने पर कंपनी GVPR हैदराबाद को ब्लैक लिस्टिंग करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर श्री एस के राउत, नर्मदा घाटी परियोजना के सदस्य, अभियांत्रिकी सहित परियोजना से जुड़े अन्य तकनीकी अधिकारी मौजूद रहे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।